तन चाहे जो कर ले ना हाथ लगू तेरे, उड़ता परिंदा मैं बनता। जतन चाहे जो कर ले ना हाथ लगू तेरे, उड़ता परिंदा मैं बनता। हमारे कानों में तो अभी तक उसकी बीन गूंज रही है। जी चाहता हम नाचने लगे। ये जादू बीन का है या बीन वाले का, हम कैसे बताएं? हम पर तो खुद जादू हो गया है। वो चेहरा आंखों के रास्ते दिल में उतर गया है। पारो, तू जो सोच रही हो नहीं हो सकता। तू चौधरी चरणजीत सिंह की बेटी और वो गली गली फिरने वाला एक सपेरा। जो हुआ उसे सपना समझ कर भूल जा। नहीं पूनम, कभी कभी सपने सच भी तो हो जाते हैं। ये देखिए बाबूजी, इस सांप की नस्ल की फसल हिमालय में बड़ी, दिल्ली में लड़ी और बची कुची हमारे जंगलों में आ पड़ी। मुझे तो लगता है उस खानदानी फौज का ये आखिरी सिपाही है। भाई वाह, ये आखिरी सिपाही का तो जवाब नहीं। हम भी तो देखे वो आखिरी सिपाही। और हाँ शिवा, ये मेरी लड़की पूनम है और ये पारो मेरी सहेली है। शिवा बाबा कल्पनाथ का बेटा है, इसके पास बड़े हुनर है। कुछ हुनर तो हम भी देख चुके हैं इनके। अच्छा, तो तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो। सुनो शिवा, मुझे शहर जल्दी से जाना है। अच्छा, तुम कल आके हिसाब कर लेना। जी सरकार। वेली राम, पिटारी को मोटर में रखो। और सुनो पूनम, शिवा को जाने से पहले चाय जरूर पिला देना। जी तुम दोनों आराम से बैठ के एक दूसरे को देखो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। आपको सांपों से डर नहीं लगता? सांपों को मुझसे डर लगता है। सच? हमको तो सांप देखकर ही डर लगता है। आप सांप कैसे पकड़ लेते हैं? सांप कैसे पकड़ते हैं देखना चाहोगे आप? हाँ जरूर देखना चाहेंगे। कब? कल सुबह आप काली माता के मंदिर में आ जाओ, वहाँ से मैं आपको हरिपुर जंगल ले जाऊंगा। अरे ये क्या है? टेप रिकॉर्डर। टेप करीडर? टेप करीडर नहीं, टेप रिकॉर्डर। इसमें तुम्हारी बीन की आवाज आ जाएगी। तो उससे क्या होगा? हम जब भी चाहेंगे तुम्हारी बीन सुन सकेंगे। तुम दूर रहकर भी हमेशा हमारे करीब रहोगे। अच्छा ऐसा होता है? देखें शुरू करो। करो ना। Thank you.
मारो, कहाँ गई? अरे ऊपर क्या कर रही हो? देखा कितना आसान है सांप बुलाना। तुम्हारे लिए हमारा दिन तो डर से बैठा जा रहा है। मेरे को तो डरने की कोई बात नहीं, आ जाओ नीचे उतरो। अगर सांप फिर से निकल आए तो? जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई भी सांप तुम्हारे पास नहीं आएगा। आओ नीचे आ जाओ। ना। आओ। नहीं। नहीं आओगी? नहीं नहीं। तो फिर सांप लाओ ऊपर। नहीं। तो फिर आओ नीचे। हमें उतारो। जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा। जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली
धड़कन बोली सूरज कितना अच्छा लग रहा है। हमें डूबता सूरज अच्छा नहीं लगता। क्यों? ये रात की खबर आता है और हम चाहते हैं रात कभी ना हो। रात को तुम हमारे साथ नहीं होते ना। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन लेकिन क्या? हम पिताजी से बहुत डरते हैं। अब हम जाएं? अभी नहीं। हम भी यही चाहते हैं। तुम हमें कभी जाने मत दो। तुमसे जुदा होने को दिल ही नहीं करता। ऐसा क्यों? इसी का नाम प्यार है। हमें प्यार करते रहो शिवा। सचमुच हमें प्यार बड़ा अच्छा लग रहा है। हम कल आएंगे। मैं कल होने का रात भर इंतजार करूंगा। घोड़ा घास की जगह अगर सोना खाने की कोशिश करेगा तो दांत टूट जाएंगे उसके। अपने कद से ऊंचा मत उछल शिवा। अगर अगर चौधरी को पता चल गया तो खून खराब हो जाएगा। समझता क्यों नहीं रे? बारो, इधर आओ। जी पिताजी। कहां से आ रही हो? बाहर से। किसके साथ थी? पिताजी वो है ना? आइंदा मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर नहीं जाओगी तुम, समझी? जी। जाओ अंदर। मुनीम जी चलो मेरे साथ, मैं उस सपेरे की टांगे तोड़ दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ कदम उठाने की? सरकार, छोटे लोगों की मुंह लगना आपको शोभा नहीं देता। हुजूर आप नहीं समझे, आप वहां जाएंगे तो बदनामी आपकी होगी। अरे मुझे हुक्म दीजिए, मैं जहर को जहर से खत्म कर दूंगा। हुजूर आप नहीं समझे। कैसे? हुजूर एक तांत्रिक है कालू नाम, वो अपने जादू टोने से उस सपेरे छोकरे को अपाहिज कर देगा। हुजूर आप नहीं समझे, फिर वो चल नहीं सकेगा और पारू बिटिया उससे मिल नहीं सकेगी। बस 200-300 रुपल्ली की बात है सरकार। तुम रुपयों की चिंता मत करो, ये रखो, लेकिन काम आज ही हो जाना चाहिए। अरे ये रुपया देखकर कालूनाथ आज को कल नहीं होने देगा सरकार। ये थैली और बीन वाला जो लड़का है ना, यही शिवा है। अच्छा, ये मुर्गी का बच्चा। क्यों बच्चा, अपने आप को बड़ा तांत्रिक समझता है? जरा हमको भी अपनी बीन सुना। अरे घबराते का आए हो?
शिवा। शिवा कालूनाथ तू बाबा बाबा मुझे माफ कर दे बाबा। माफ तो तुझे तभी करूंगा जब तू ये बता देगा कि तूने शिवा पर वार क्यों किया। बोल बाबा। बाबा मेरा कोई दोष नहीं है बाबा, चौधरी चरणजीत सिंह ने मुझे शिवा को मारने भेजा था। लंबू ने मरवा दिया बाबा। बाबा शिवा से कहो मुझे छोड़ दे। शिवा इसे छोड़ दे। आखिर चौधरी की शिवा से क्या दुश्मनी हो सकती है? बोलता क्यों नहीं? आखिर चौधरी को तुझसे काहे की दुश्मनी? मैं बताती हूँ बाबा, ये चौधरी की बेटी से इशक लड़ाता है। मैंने और डमरू ने कल अपनी आंखों से इसे पारों को गले लगाते हुए देखा है। जरूर चौधरी साहब को पता चल गया होगा, इसलिए उसने कालूनाथ को भेज दिया इसके पीछे। और अगर उसका जादू इस पर चल जाता तो क्या होता? कैसे चल जाता? मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तू तो भैरव देवता बन गया है ना। थोड़ी सी विद्या क्या सीख ली अपने आप को तांत्रिक का बाप समझने लगा है? सच्चाई से आंखें ना चुरा शिवा, तू एक गरीब सपेरा है, रोटी कमाने के लिए जंगल जंगल भटकता है। सांप का खेल दिखाकर तू अपना पेट पालता है। तेरी जगह ये झोपड़ा है वो हवेली नहीं। चौधरी के पास दौलत है, ताकत है, सारे इलाके में नाम है उनका। उनके कदमों में बैठने के लिए है हम, बराबरी का सोच भी नहीं सकते। कल मेरे साथ चलकर चौधरी से माफी मांग लेना। किस बात की माफी? क्या किया है मैंने? प्यार करना कोई जुर्म नहीं। चुप। हर वो बात जुर्म होती है जिसे समाज और बरादरी ठीक ना समझे। कल से तू इस बस्ती के बाहर नहीं जाएगा, समझा? तरह नहीं मानेगा बाबा। तू घबरा मत, इस उम्र में भी मैं उसकी निगरानी कर सकता हूँ। तुम लोगों को मालूम था, फिर भी तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। बाबा मैं तो बताने आ रहा था, शिवा ने मेरे को बोला बाबा को मत बताना। शिवा तो नादान है। अरे बाबा आप क्या बाबा, जब बेटे की घर में शिकायतें आने लगे जी बाबा और गांव में चर्चा होने लगे तो समझो बेटा जवान हो गया, उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो देख इस बात की बाबा, जल्दी कर दो। हाँ अब तो करनी ही पड़ेगी। बाबा मेरी भी शादी। तू चुप कर, तू अभी जवान नहीं हुआ। जब तेरी शिकायतें आने लगेंगी तो तेरी भी शादी कर दूंगा। लालल की बुसी ला। लो बाबा लो। अरे अच्छा बताया तुमने शहर वाले को, कौड़ियों के भाव पर तुमने जमीन खरीद ली। क्यों नहीं, मरलाकों के भाव भेज दी। हम कल आएंगे। मैं कल होने का रात भर इंतजार करूंगा, रात भर इंतजार करूंगा। वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। अरे बाबा को देना कहते। बाबा ये लो, सुनती नहीं है ये लो। बहुत डाल दिया। बाबा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों भाई? बिल्कुल ठीक हो तो तुम काम पे नहीं गए? कितना काम पड़ा है, सांपों को पकड़ना है, जहर निकालना है, जहर सेंटर पहुंचाना है,
अरे ये तो मैं भूल ही गया। पर सबसे बड़ा काम तो ये है ना बेटा, तुम्हारी निगरानी करना। पर बेटे तुझे तो कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं मुझे क्या तकलीफ है। बिल्कुल ठीक हूँ। शिवा को तो मैंने कुटिया में बंद कर दिया है। मगर ये बताओ शंकरनाथ की शादी में सारी बस्ती जा रही है? हाँ बाबा सारी बस्ती जा रही है, रात भर गाने बजाने के लिए। तब तो हमें भी जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब है, हम वहां से जल्दी लौट आएंगे। सारी बस्ती को नाचने गाने दीजिए, मैं और घोटू आपके साथ चले आएंगे। ठीक है चलो चलिए चलिए। क्यों दोस्त नागराज क्या देख रहा है, तरस आ रहा है मुझ पे? हाँ? यार पारो के बगैर मैं रह नहीं सकता। बाबा ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, अगर तू मेरा असली दोस्त है तो जाके कड़ी खोल दे। दोस्त है तो दोस्ती निभा, जा। शाबाश नागराज, तूने अपनी दोस्ती निभा दी।
पिताजी को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है। घर से बाहर निकलने के लिए पाबंदी लगा दी हम पर। लगता है पिताजी आ गए। तुम यहां से चले जाओ शिवा। नहीं, आज मैं उन्हें बता दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार। उन्होंने हमें साथ देख लिया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें हमारी कसम। जाओ ना हमारी खातिर। कहां है वो सपेरे का बच्चा? और मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर कदम मत रखना। चलो। क्या हुआ, इतनी रात गए? कहां से लाए हो इसे? कहां गई थी ये? तुम अब इसी से पूछो। उस सपेरे के बच्चे को मैं आज ही खत्म कर देता हूं। नहीं नहीं पिताजी, उसका कोई कसूर नहीं है। जान लेनी है तो हमारी जान ले लीजिए। हट जाओ पारू, मैं तुम्हें। हट जाओ, हट जाओ। हुजूर, यही है वो शिवा। खत्म कर दो हरामजादे को। जा तुम लोग, इसकी आखिरी सांस मेरी बंदूक की गोली ही खत्म करेगी। आज मैं तेरी खवी जात से इस धरती को छुटकारा दिला दूंगा। नहीं, ये क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? ये मेरा बेटा है। तेरे बेटे ने चौधरी खानदान की इज्जत पर हाथ डाला है, ये जिंदा नहीं बच सकता। नहीं चौधरी साहब, ये नादान है, ना समझ है, इसकी ये गलती माफ कर दीजिए। ये अब माफी के काबिल नहीं रहा, हट जाओ। चौधरी साहब, मैं आपके पांव पड़ता हूं, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस उम्र में मेरा सहारा ना छीनो। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद शिवा आपकी बेटी से कभी नहीं मिलेगा। हम लोग यहां से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, अगर इस मार से ये जिंदा बच भी गया तो मेरी नजर पड़ने से पहले इसे इतनी दूर ले जाना कि हवा भी इसका पता मुझ तक न पहुंचा सके। चलो। मेरे लाल, मेरे बच्चे, आंखें खोल, आंखें खोल मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे लाल, आंखें खोल मेरे लाल। अब हम यहां नहीं रहेंगे बेटे। शिवा, शिवा आंखें खोल,
गुस्से में कुछ करके तो नहीं आए ना? मुझे गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे आदमी ने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होगा। कैसा है शिवा? शिवा, शिवा, कौन है ये? यही तो है चौधरी की बेटी। क्यों आई हो तुम यहाँ? और भी कोई जख्म देना बाकी रह गया? क्यों मेरे बेटे की जिंदगी छीन लेना चाहते हो तुम लोग? भगवान के लिए इसे इसके हाल पे छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दो, मेरे बच्चे की जान बख्श दो। ना जाने मेरा बच्चा कितने पल का मेहमान है। चली जाओ, चली जाओ, जाओ। मेरा बच्चा, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हम यहां नहीं रह सकते। तुम अंदर जाओ, मैं इसे समझा दूंगी। क्या खाक समझाओगी तुम इसे? कितनी हिम्मत बढ़ गई है इसकी। इससे पहले कि बाप के हाथों बेटी का खून हो जाए, रोक लो इसे। समझा दो इसे कि चौधरी चरणजीत अपने खानदान की इज्जत पर कलंक नहीं लगने देगा। आज इसको इसकी असलियत बता दो। पारो, कहां गई थी तू? सपेरों की बस्ती में। शिवा ने किसी का क्या बिगाड़ा है माँ, जो लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। धनवान होने का ये मतलब तो नहीं कि गरीबों की जान ले लो। उसका कसूर यही है ना कि वो हमसे प्यार करता है, तो हम भी उससे प्यार करते हैं। आप हमारी जान ले लीजिए, हमें मार डालिए,